कपड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग दाल 150 ग्राम, पानी जरूरत अनुसार, हरे धनिया के पत्ते 50 ग्राम, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट 2 चम्मच, हरी मिर्च कटी हुई 4, नमक स्वाद अनुसार, हींग 1 चुटकी और तेल तलने के लिए। एक बाउल में मूंग दाल ले और उसमें पानी डालें। हाथों की मदद से अच्छे से मस ले और इस पानी को निकाल दे। इस दाल को पानी में भिगोकर 5 घंटे के लिए रख दे। उसके बाद उसमें पानी जो बचा है उसे निकाल दे। अब उसमें और पानी डालें और दाल को अच्छे से मसल लें। उसमें जो छिलके हैं वो निकाल देने हैं हमें। ये लीजिए, हमारी दाल अच्छे से साफ हो गई है। अब इसे मिक्सी में दलदला क्रश कर लें। पिसी हुई दाल में हींग, नमक, मिर्च और अदरक की पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च और धनिया के पत्ते डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। इस मिश्रण को 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दें। अब एक पैन में तेल गरम करने के लिए रख दें। जब तेल गरम हो जाए तो उसमें अपने हाथों की मदद से वड़े रखें और उसे अच्छे से फ्राई कर लें। हमारे दाल वड़े एकदम मस्त लग रहे हैं ना? ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है। उसे टिश्यू पेपर पे निकाल दे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। अब एक सर्विंग ट्रे में हमारे क्रिस्पी और गर्मा गर्म दाल वड़े रख दे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा आया है। दाल वड़े के साथ फ्राइड हरी मिर्च खाने का मजा ही कुछ और है। साथ में अगर प्याज मिल जाए जिसमें सॉल्ट और नींबू का रस डाला हो, आहा, देखते ही मजा आ गया। दाल वड़े को मीठी चटनी के साथ सर्व करें। जब भी बारिश होती है हमें कुछ ऐसा ही खाने का मन करता है। बारिश के सीजन में क्रिस्पी बाहर जैसे मूंग दाल के वड़े बनाएं और अपने परिवार के साथ बैठकर एंजॉय करें।